रेल फ्रैक्चर एक हुआ था हमारे नीलचा केबिन के पास, अचानक में एक पीडब्ल्यूआई स्टाफ जो लाइन पे ट्रोलिंग करता है उन्होंने आके सूचना दी केबिन को जी कि सो रेल फ्रैक्चर हुआ है हमारे नीलचा केबिन के आसपास ही जी। हमारे स्टेशन में मास्टर ने बहुत तत्परता दिखाते हुए सिग्नल को लाल किया जिसके कारण कि वो एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। अगर ये जानकारी समय पे नहीं मिलती तो एक आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, तो इसके लिए हमारे पीडब्ल्यूआई स्टाफ और स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना बड़ा हादसा को टाला जी। सर अपना परिचय बता। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, स्टेशन प्रबंधक रानीगंज। धन्यवाद सर। तालाब की सफाई न होने से फैल रही है बीमारियां। जी हां, जौनपुर नेवनिया थाना अंतर्गत ग्राम शीतल सराय में जलकुंभी फैलने के कारण मानव और पशु में बीमारियां फैलने के संबंध में लोगों ने बताया कि तीन तरफ बहुत पुराना तालाब है जो बरसात के मौसम में पानी से पूरी तरह भरा रहता है। वे लोग कई बार तालाब की सफाई व दवा छिड़काव करने के लिए शिकायत किए थे पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। तहसीलदार हैं, सब साथ में आएंगे, नाप नोक का भी जाते हैं, उधर खा पी लेते हैं, नहीं आते। तो क्या कभी आए थे? हाँ आए थे, लेकिन फिर चेहरा उन लोगों का हम लोग देखे फिर दोबारा नहीं देखे, तो किस कलर के हैं, काम करवा रहे हैं कि नहीं, क्या करेंगे कि नहीं, कि करवाएंगे कि नहीं। हम मरकी भाई 5 मिनट रुका खाली। तो यहाँ की हालांकि 5 हेक्टेयर होगा, 5-6 हेक्टेयर। अच्छा, तो इस पर प्रधान जी ने कभी कोई सफाई कोई चर्चा नहीं ना, कोई मतलब है कि इस पर सुधार हुआ आपसे? अभी कोई सुधार नहीं हुआ। इस गांव का कहीं विकास उपाय दिखाई दे रहा है? विकास क्या, यही मतलब अंधकार। जो अंधकार है लगा हुआ है, मतलब गंदगी है, इसी से मतलब लोग पीड़ित हैं। पूरे गांव में संक्रामक रोग फैला है, मतलब टाइफाइड मलेरिया ये सब मतलब चल रहा है, यही चल रहा है। हाँ, तो यानी गाँव प्रदूषित है? हाँ, गाँव प्रदूषित है। इसको शुद्ध करने के लिए प्रधान जी ने कभी नहीं कोई निर्णय लिया इसको। अच्छा, तो आपने कहीं सूचना दिया इसके लिए कहीं? नहीं, नहीं सूचना एक बार आए थे कर्मचारी मतलब तहसील से, वो लोग देख ताक करके और सब क्षेत्रफल नाप के गए, फिर पुनः नहीं लौटे। और जनता ने कुछ उनको मतलब दे दे करके मतलब दाब दिया कि न किया जाए ऐसा। तो इसके विषय में कभी गाँव वालों ने सफाई के लिए कुछ कहा नहीं किसी को? गाँव के लोग मर रहे हैं। अच्छा। लेकिन सफाई के लिए तैयार नहीं हो रहे, निर्बल होकर के पैसा फूंक रहे हैं। हाँ। लेकिन मच्छर हर तरफ तीनों तरफ लगे हुए। अच्छा, मच्छर लगते हैं? हाँ, सबको मच्छर दिन और रात दोनों लगते हैं। सही बात, 4 बजे से सुई लगाना शुरू कर देना। आपका शुभ नाम? मंगला सिंह। एक कौन सा ग्राम है? सीतम सराय। सीतम सराय। कोतवाल की गाड़ी में भिड़ी। जी हां, प्रतापगढ़ में मीरा भवन रोड मुर्गी फार्म के ठीक सामने कोतवाल की गाड़ी के सामने अचानक कुत्ता आने से चालक ने मारा इमरजेंसी ब्रेक, जिससे बाइक कोतवाल की गाड़ी में भिड़ गई। बाइक पर बैठी महिला को आई काफी चोट। महिला थाना की अध्यक्ष मीरा कुशवाहा ने उसे जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता संजय पाल की। क्या नाम है आपका? लाल विकास। गांव? बराई चार चक्रपुर मंडला। ब्लॉक कौन सा है? फैजाबाद। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये साहब, हमारा कॉलोनी आई थी, प्रधान ने पैसा मांग रहा था, तो हम पैसा नहीं दिया, तो हमारा जो मजदूरी है प्रधान है राकेश कुमार द्विवेदी। अच्छा, कितना पैसा मांग रहे थे? पैसा साहब 10,000 मांग रहे थे, कहीं दूसरे से 20,000 ले, दूसरे 10,000 ले। हम साहब विकलांग आदमी, हम पैसा नहीं दिया, तो हमारी मजदूरी जब काम करा 6 महीना हो गया, आज तक हमारी मजदूरी नहीं आई,
था ग्राम सेवक जो रोजगार सेवक जो है संतलाल, वो कह रहा कि जब से तक पैसा नहीं दोगे तब तक हम 5,000 रुपया उसको दिया संतलाल को, और कहा कि प्रधान की जब से तक पैसा नहीं देते प्रधान लगावे नहीं देता है। आवास आपका मिला नहीं मिला? आवास साहब वही कॉलोनी है, आवास बन गया है, 6 महीना हो गया। तो इस जैसे आपसे पैसा मांगा गया है तो इसकी शिकायत आपने खंड विकास अधिकारी या एडीओ पंचायत से की? नहीं साहब, शिकायत नहीं की। नहीं, आज किस लिए आए हैं? आज साहब वही हम अपने शिकायत के लिए आए हैं साहब, वो कह रहे हैं जहाँ दरखास्त डालना हो डालो। कौन कहता है? वो प्रधान और रोजगार सेवक संतलाल का प्रधान हमको रोक दे, हम नहीं दे लगाओ मजदूरी, तो का जहाँ करे खोजो करा। पूर्व डीडीसी वर्तमान डीडीसी को अच्छा बताइए समस्या क्या? समस्या यह है कि हमारे गांव में राकेश दुबे प्रधान है, एकदम लूट खरोच मचाया है, प्रधान हुआ है तभी से सौर ऊर्जा साइकिल के नाम पर हर आदमी से 700 रुपये लेकर 1,000 रुपया लिया है, और जो ग्रामीण शौचालय बनवा रहा है अब मतलब मनक के हिसाब से नहीं बनवा रहा है, स्वयं बनवा रहा है सरकारी पैसा जो उसके खाते में नहीं दे रहा है, कॉलोनी जो आ रही है उसको पैसा ले रहा है, जिसको मन चाह रहा है उसको दे रहा है, कोई मनक के हिसाब से कॉलोनी नहीं दे रहा है। उसकी शिकायत आपने? उसकी शिकायतें तो लेके आए हैं साहब, अभी तक तो चल रहा था चले, अब जब नहीं समझा गया कि नहीं कुछ समस्या हो तो वही शिकायत लेके आए हैं। यहाँ पर खंड विकास अधिकारी को आपने दिया? हाँ, अब वहीं तक वहीं उनको एक एप्लीकेशन दिया गया है। तो आपको कुछ आश्वासन मिला? अभी तो आश्वासन नहीं मिला, अभी तो दिए हैं, देख के क्या करते हैं। कुछ बताए होंगे आप? अभी तभी नहीं बताए हैं, लेकिन वहीं एप्लीकेशन दिया गया है, इसके बाद आप लोग आ गए तो आप लोग और समस्या ये जनसूचना से मानी गई रिपोर्ट पूरी है, अधिनियम 2005 की है और आज 2 महीने से उन्नीस चौदह है, 30 दिन इसका डिटेल 2 महीने बाद जहाँ भी प्रार्थना पत्र देते हैं फिर विकास खंड अधिकारी के पास बताते कि हमें मिल नहीं रहा है, चाहे हम इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर मुख्य विकास अधिकारी को दे रहे हैं तो भी यहाँ पर पूरी तरह से सूचनाएं स्थल पर दी जा रही है, और संबंधित अधिकारी से बात करने को उसी तो यही बताते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है, तो आखिर में हम जानना चाहते हैं कि करने तो जा कहाँ रहे हैं, बराबर मुलाकात करने बराबर चल रहे हैं लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही, और पूरी तरह से समस्याएं दस्त करते हैं और पूरी तरह से कार्रवाई के योग्य हैं, कार्रवाई की जाए उनके साथ और हमारे साथ ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस तरह की प्रक्रिया तो आपने खंड विकास अधिकारी को आज प्रार्थना पत्र दिया तो आपको कोई आश्वासन मिला? आज तो हम लगभग 4-5 बार हो चुके हैं, लगभग आज 5वीं बार हम लगा आज भी एप्लीकेशन दिए हैं और कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, आश्वासन से कोई कार्रवाई आज तक हो नहीं पा रही है। यातायात नियमों का बच्चों को दिया गया प्रशिक्षण, जीना भदोही और राजस्थान अंतर्गत बाबूसराय मार्केट स्थित इंटर कॉलेज बाबूसराय में बच्चों को यातायात नियमों का प्रशिक्षण दिया गया। यातायात नियमों के विषय में बच्चों हेतु निबंध प्रतियोगिता भी करवाया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य हरिशंकर मिश्र तथा और आई थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील दत्त आदि अध्यापक गण मौजूद। मैं बड़े लालूपुरा 8 न्यूज़ इंडिया से, आज बाबूसराय इंटर कॉलेज में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है यातायात वाहनों में चेकिंग के दौरान सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, आइए कुछ इसके बारे में बच्चों से थोड़ा सा आपसे पूछते हैं कि कुछ जानकारी हमें बचाई जा सके।
उसको तो अगले दिन समझ नहीं कि हमारी जाएगी जो आदेश हुआ द्वारा है सुरक्षा द्वारा मनाया जा रहा है। अब इसमें करीब 20% से अधिक जो मौतें होती हैं दुर्घटनाओं से होती हैं और इसका कारण यह है कि लोगों का सड़क के यातायात का नियम नहीं है, तो लोगों को जो भी सड़क यूजर्स हैं सड़क का उपयोग सड़क के बारे में उनको जानकारी हो जाए, नियमों की जानकारी हो जाए और स्वतः सुरक्षित करें, दूसरों को सुरक्षित चलने के लिए प्रेरित करें। यह कार्यक्रम भारत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसीलिए चलाया जा रहा है और विद्यालयों में इसके चलाने का मूल उद्देश्य यह है कि हमारे यहाँ हजारों गांव के बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर ये बच्चे प्रशिक्षित हो जाएंगे यातायात के नियम के बारे में तो ये सारे नियम हजारों गांव तक फैल जाएंगे और अधिकतम लोगों की जान की और माल की सुरक्षा होगी। आज न्यूज़ इंडिया से बड़े लाल शुक्ला वाराणसी।